फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर फ्रेंड, इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिला है पैटर्न लॉक। पैटर्न लॉक कैसे आप चेंज करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है सैमसंग के मोबाइल में। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग, सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पासवर्ड भी आपको ऑप्शन मिलेगा। लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा और आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन स्वाइप टाइप्स पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने सेंटर पे आएगा और यहाँ पर आपको पैटर्न पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पैटर्न टाइप कर लेना है, कंफर्म पे क्लिक करें। सेम पैटर्न आपको दोबारा करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। अब आपको लॉक करना है और डन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप उसको ऑन करके इसका नोटिफिकेशन भी इस्तेमाल कर लो। स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो डन पे क्लिक कर देना है, बैक बटन पे क्लिक करना है, लॉक करना है और चेक करना है। लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर फिर से आप पैटर्न लॉक चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी मैंने राइट सेटअप किया है, अगर आप और भी पैटर्न आप टाइप करना चाहते हैं जैसे वाई, यहाँ पर एस एम अगर टाइप करना है तो यहाँ से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर देखिए तो हो चुका। आपको पेन बटन पर क्लिक करना है, लॉक करना है, ओपन करना है और ये देखिए यहाँ पर वाई आप ड्रॉ करेंगे तो ये चेंज हो चुका है। तो इसी जगह से आपको चेंज करके इसका इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।